और ट्रक की जोरदार भिड़ंत, दो की मौत, दर्जनों घायल। मुरादाबाद के हाईवे 24 पर हुई बस और ट्रक की भिड़ंत में कई दर्जन लोग घायल हो गए और दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बस पंजाब के लुधियाने से बिहार के जनपद बेतिया जा रही थी। देर शाम रामपुर रोड स्थित 0 पॉइंट पर जोरदार हादसा हो गया। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले छठ पूजा को मनाने जा रहे लोगों से भरी एक बस आज देर शाम सामने आ रहे ट्रक से जा भिड़ी। टक्कर इतनी तेज थी कि बस डिवाइडर क्रॉस करते हुए सड़क किनारे बने मकान में जा घुसी। बस में लगभग 70 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जो सभी बिहार में जनपद बेतिया के रहने वाले हैं और त्योहार मनाने के लिए अपने घर जा रहे थे। दरअसल ये सड़क हादसा रामपुर रोड स्थित 0 पॉइंट के पास हुआ है। घायलों की संख्या ज्यादा होने के कारण चारों तरफ हंगामा मचा हुआ था। घायल सड़क पर इधर उधर पड़े हुए नजर आ रहे थे। हादसे की सूचना पर पुलिस भी सहायता के लिए पहुंच गई और एम्बुलेंस मंगवाकर घायलों को अस्पताल भिजवाना शुरू कर दिया। इस हादसे में घायलों ने बताया कि बस का ड्राइवर शराब पी हुए था। वो लोग लुधियाना के पास मंडी से आ रहे हैं और उन्हें बिहार जाना है। घटना स्थल पर पहुंचे सीओ हाईवे ने बताया कि सभी को जिला अस्पताल भिजवाया गया है। मृतकों की संख्या अभी बता पाना संभव नहीं है। ये थाना मोडा पांडे क्षेत्र में हाईवे पर एक ट्रक और एक बस में एक्सीडेंट हुआ है। ये बस पंजाब से बेतिया जिला बिहार के लिए चली थी। इसमें अब तक दो लोगों के मृत होने की सूचना है। इसमें कुछ लोगों को PHC और अन्य लोगों को यहाँ जिला अस्पताल ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है, जिसमें 17 लोग अभी यहाँ ट्रीटमेंट के, अब सभी को प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और इसमें पूरी कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग थे ये घायल जो हैं टोटल? इसमें अभी जिला अस्पताल में 17 लोग को लाए गए हैं, बाकी और लोगों की भी ट्रीटमेंट और सूचना एकत्रित की जा रही है। लोग जो अलग अलग जगह वहाँ पर इंजर्ड हुए। सर बस में कितने लोग सवार बताए जा रहे हैं टोटल? अभी ये सब काउंटिंग की जा रही है और जो अपडेट है उसमें बताया जा रहा है। ठीक सर।